नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरे ऑफ लाइट पासिस थ्रू प्रिज्म जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, म्यू इज योर रूट टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। उसके बाद हमें डेल एम जो है वो सॉल्व करना है फर्स्ट पॉइंट में, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें सॉल्व करना है सेकेंड पॉइंट में। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमें फाइंड करना है और फर्स्ट में हमें बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस आर टू एट द फेस ए सी। तो आप फिगर में देखिए, ध्यान से फिगर देखिए, तो ए सी पे जो फिगर है उसमें ए सी पे जो इंसिडेंट लाइट कर रही है दैट इज एंगल मेकिंग एंगल आर टू। वो क्या एंगल बना रही है? आर टू एंगल बना रही है। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको निकालना है। फिगर आपको गिवन है, तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो ये प्रिज्म है, ये इंसिडेंट रे है, दिस वन इज योर रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे यहां से इसी लाइन पे आ रही है इस तरीके से। इट मींस ये एंगल एक ऐसा है जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल पे ही इंटरफेस पे आ रही है ये रे जो है। दिस इज द इंसिडेंट रे फॉर दिस वन, इसके लिए ये इंसिडेंट रे है। इसका मतलब ये क्रिटिकल एंगल पे रे होगी तभी हमारे पास ये इंटरफेस पे आ रही है, यही हमने पढ़ा है। व्हेन रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो ये डेंसर ही है ये रेयरर ही है, डेंसर से रेयरर जा रही है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के इक्वल होगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, वो यहीं पे इंटरफेस पे आ जाएगी। मींस वो एंगल बनाएगी 90 डिग्री नॉर्मल के साथ। सेम वही चीज यहां हो रही है। इट मींस हमें फर्स्ट पॉइंट में क्रिटिकल एंगल निकालना है दैट इज सी। हमें एंगल ऑफ, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है आर2 के साथ। इट मींस आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड क्रिटिकल एंगल इन फर्स्ट पार्ट। तो क्रिटिकल एंगल का रिलेशन हम जानते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए देखेंगे, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप देखेंगे म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin C। तो हमें सी निकालना है क्रिटिकल एंगल 1/μ। म्यू की वैल्यू आपको गिवन है √2, तो साइन 1/√2। तो √2 किस पे होता है? 45 डिग्री पे। तो साइन सी इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री। साइन एंड साइन कैंसल, तो हमारे पास क्या आ गया? सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 45 डिग्री। ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। अब सेकेंड देखिए, सब जो हम कर रहे हैं सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट में हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड करना है, डेल एम फाइंड करना है। तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू साइन ए बाई टू। अब हमें इसमें क्या क्या गिवन है? म्यू इज योर रूट टू, साइन ऐसे ही रहेगा, एंगल ए हमें गिवन है दैट इज योर 60 डिग्री। फिगर में आप देख रहे हैं ए की जगह क्या लिखा है? 60 डिग्री। डेल एम बाय टू साइन 60 डिग्री बाय टू दैट इज 30 डिग्री। तो ये क्या बन गया? रूट टू साइन 60 प्लस डेल एम बाय टू डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज योर 1/2, तो हम यहां इसकी जगह लिख सकते हैं 1/2। 1/2 जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? रूट टू इंटू 1/2। तो क्या आ गया? रूट टू इंटू 1/2 साइन 60 प्लस डेल एम बाय टू। रूट टू बाय टू इज योर 1/√2, तो हमारे पास आ गया दैट इज 1/√2 साइन 60 प्लस डेल एम बाय टू। 1/√2 इज योर साइन 45 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या बन गया? साइन 45 डिग्री साइन 60 प्लस डेल एम बाय टू। साइन एंड साइन कैंसिल, तो हमारे पास क्या बन गया? 45 इंटू टू 60 प्लस डेल एम, ठीक है, 60 डिग्री। ये डिग्रीज में है सब कुछ। 45 इंटू टू 90, 90 माइनस 60 30, तो डेल एम हमारे पास कितना आ गया? 30 डिग्री। तो डेल एम इज योर 30 डिग्री। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारे पास कितना बन गया? ये 30 डिग्री। ये न्यूमेरिकल बोर्ड में आया हुआ न्यूमेरिकल है, इसकी प्रैक्टिस करिए सो दैट इस तरह का कोई भी क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आता है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।